वो है इशारुल्लाह, रूहुल्लाह है। कब्रस्तान चले जाए और ये कहे कुंभे दिन ला, तो मुर्दा जिंदा हो जाए। कहो मादर जात अंधा, मां के पेट से अंधा हो, आज का डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने इशारुल्लाह को ताकत दी थी, इशारों को ताकत दी थी, हाथ फेर देना बिना हो वो आंख वाला हो जाए, कोड़ी हो वो शिफा हो जाए, हाथ उठा दे आसमानी कायना से खाना आए। वो इशारुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम है, गुफ्तगु हो रही है, गौसे आजम आ गए। कहो सुभान अल्लाह, मसला कौन सोल्व कर रहे? गौसे आजम क्या दस्तगीर आजम, हसनी भी हुसैनी भी है, क्या झगड़ा है? का सरकार है गौसे आजम, ये ईसाई कह रहा है कि हमारे नबी मुर्दे को जिंदा करते। कहा अच्छा, तुम्हारे नबी मुर्दा को जिंदा करते हैं तो हम भी मानते हैं क्या? हम भी मानते हैं। तो कहा तुम्हारे नबी से हमारे नबी अफजल? तो कहा वो कैसे? कहा हमारे नबी इशारुल्लाह मुर्दे को जिंदा कर। गौसे आजम कहा चलो मैं चलता हूं, तुम बताओ वो कबर क्या कितनी पुरानी हो, मुझे ले जाओ। सब गए, इशारुल सलात व सलाम का चाहने वाला ईसाई एक पुरानी कब्र पर खड़ा रहा। अब इल्म गैब देखिए क्या, इसे रसूल पाक ने अपने साथ लोह में देव पिलाया हो, मौलाए कायनात मौला अली ने छह मरत लोह में देव पिलाया हो। वो गौसे आजम दस्तगीर है क्या? दस्तगीर है। गौसे फरमाते कि मैं 40 दिन तक भूखा रहा ना, तो मैंने कहा था मौला जब तक नहीं खिला के मैं खाऊंगा नहीं, और मेरे पीर मुर्शिद हजरत अबू सईद आए मुझे एक लुकमा खिलाते और तमाम हिजाबात अल्लाह हटा दिया कर। हमारे भक्त जी रहती थी एक एक लुकमे पर, एक एक लुकमे बारे भक्त हासिल होती। अब आज ये कह रहा है इशारुल्लाह के चाहने वाला पति, तो कहा कब्र को देखकर कि जो काम करता था वो बता दो क्या कहा, और ये कहा तो कहा ये डब बजाता था, कवल था। गए गौसे आजम का कुंभे जिन ला, तो कबर चाक हुई और वो आदमी निकला। कहो सुभान अल्लाह, ये करामत देखकर कितने लोग थे और ईसाई था, तब उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदल दी हजारों के तकदीर देखे। और ये दुरुस्त अल्लाह।